नमस्कार, स्वागत है आपका दिन भर की ताजा तरीन खबरों के लिए। पहली खबर में आपको बता दें कि पोड़ैया हाट में आज दो जगह आग लगी का मामला सामने आया है। पहला मामला आकाशी गांव का है, जहां मक्कू मरांडी के घर में आग लग गई। आग की लपटें इतनी तेज थी कि घर का खाने पीने से लेकर कपड़ा तक हर सामान धू धू कर जल गया। बड़ी मशक्कत से आग पर काबू पाया गया, लेकिन घर की सारी संपत्ति जलकर राख हो गई। पीड़ितों ने विधायक प्रदीप यादव से मदद की गुहार लगाई है। वहीं दूसरी खबर जगन्नाथपुर टोला की है, जहां धान के कुंज में आग लग गई, जिससे किसानों को भारी क्षति हुई है। अचानक आग लगने से गांव में अफरा तफरी मच गई। वहीं अगली खबर में आपको बता दें कि महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर ग्राम पथरिया घाट में सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन हुआ। कल देर शाम गोड्डा प्रखंड के पथरिया घाट में नवयुवक संघ पथरिया घाट महतो टोला की ओर से महाशिवरात्रि के शुभ अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ कुड़माली नाटक का भव्य आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में झामुमो युवा मोर्चा जिला संयुक्त सचिव मदन महतो एवं टोटेमिक कुड़मी विकास मोर्चा के केंद्रीय प्रधान प्रवक्ता सह संथाल परगना प्रभारी दीपक महतो ने संयुक्त रूप से कार्यक्रम का उद्घाटन किया। वहीं अगली खबर में आपको बता दें कि प्रधान जिला जज सत्य प्रकाश सिन्हा की अदालत ने हत्या के आरोप में अशोक चौधरी एवं प्रीतम चौधरी की जमानत याचिका खारिज कर दी। 7 जनवरी 2021 की घटना को लेकर मुफस्सिल थाना के मोतिया ओपी में दर्ज प्राथमिकी में देवंदा निवासी नवल किशोर महतो ने 21 वर्षीय राजकुमार यादव की हत्या को लेकर प्राथमिकी दर्ज कराई थी। देवंदा के निकट लिलजी नदी के सामने उसके खेत से बालू उठाने पर मना करने पर मुकुंद चौधरी, अशोक चौधरी, नीलेश चौधरी, गौतम चौधरी, प्रीतम चौधरी सभी देवंदा के निवासी ने राजकुमार यादव को लाठी डंडा से प्रहार कर मौत के घाट उतार दिया था। राजकुमार यादव की मौत घटनास्थल पर ही हो गई थी। वहीं उपसंघर्ष में गौतम यादव, मृत्युंजय यादव जख्मी हो गए थे। पुलिस ने बाद में सभी आरोपितों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। वहीं अगली खबर में आपको बता दें कि गोड्डा जिला के मेहरमा प्रखंड क्षेत्र के अमौर पंचायत के गोरीकिता गांव के मौसमा दुखनी देवी का पेंशन कई वर्षों से बंद है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार मौसमा दुखनी कुछ साल पूर्व पेंशन उठा रही थी, लेकिन इधर कई वर्षों से मौसमा दुखनी का पेंशन बंद कर दिया गया। मौसमा दुखनी देवी का कहना है कि सामाजिक सुरक्षा कोषांग द्वारा मुझे मृत घोषित कर पेंशन को बंद कर दिया गया। मौसमा दुखनी का यह भी कहना था कि मेरे पति हगनु ताती के मृत्यु के बाद भरण पोषण में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, लेकिन इसके बावजूद भी प्रखंड प्रशासन से लेकर जिला प्रशासन तक के आला अधिकारी की नजर इस ओर आकृष्ट नहीं हुई। अगर एक सप्ताह के अंदर मेरी पेंशन फिर से चालू नहीं हुई तो मैं सीधे सीधे मुख्यमंत्री से पेंशन काटने वाले पदाधिकारियों के ऊपर कार्रवाई करवाने की मांग करूंगी। वहीं अगली खबर में आपको बता दें कि गोड्डा जिला के पथरगामा प्रखंड अंतर्गत माछीताड़ पंचायत के कसियात्री गांव में आज भीषण आग लग गई, जिस आग में मंटू मुर्मू और रामलाल मुर्मू का घर जलकर राख हो गया। वहीं लक्ष्मण मुर्मू का पुआल का टाल भी जलकर राख हो गया। खबर लिखे जाने तक आग लगने का मुख्य कारण पता नहीं चल पाया। वहीं अगली खबर में आपको बता दें कि रामगढ़ के बोकारो राष्ट्रीय राजमार्ग मगनपुर चक्रवाली के समीप टाटा सुमो सरकारी वाहन और मोटरसाइकिल में सीधी टक्कर हो गई। मौके पर मोटरसाइकिल सवार की मौत घटनास्थल पर ही हो गई। घटना रामगढ़ के गोला थाना क्षेत्र की है। वहीं अगली खबर में आपको बता दें कि नोनीहाट में लगातार 30 वर्ष से चंद्रसा बाबा का जलसा 8 बजे रात से सुबह के 3 बजे तक चलता रहता है और चादर कोसी 5 बजे शाम से चलना शुरू होता है और रात भर जलसा भी चलता रहता है। बहुत दूर दूर से लोगों का आना जाना लगा रहता है, जैसे कि बौसी, दुमका, गोड्डा, पालाजोरी, भागलपुर, चंदना और अगल बगल के गाँव के लोग भी आते रहते हैं। इस मजार पर क्या हिंदू क्या मुसलमान सभी लोग आकर चादर चढ़ाते हैं। वहीं अगली खबर में आपको बता दें कि गोड्डा जिला के मेहरमा थाना क्षेत्र अंतर्गत बगैया पंचायत के वार्ड सदस्य सह दुर्गा पूजा समिति के अध्यक्ष विद्यानंद राम पर जानलेवा हमला करने का आरोप गांव के ही पिता पुत्र पर लगा है। दोनों का नाम हरिओम कुमार और संतोष कुमार उर्फ सनातन राम बताया जा रहा है। घटना बीते शनिवार शाम का है। लोहे की रॉड से मारपीट करने के कारण बुरी तरह घायल हो गया। इधर घटना को लेकर पीड़ित ने मेहरमा थाना में लिखित आवेदन देकर कांड संख्या 44/2021 दर्ज कराया है। हालांकि जानलेवा हमला करने के पीछे पूरा कारण क्या रहा स्पष्ट नहीं हो पाया है। दूसरी ओर पुलिस ने मामले को लेकर गहनता से जांच कर रही है। साथ ही पुलिस ने बताया कि मामले की जांच किया जा रहा है, दोषियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी।